हेलो एवरीवन जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी एस 2023 के मेंस का रिजल्ट आ चुका है आंसर की आ चुका है आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा होगा अपने आंसर्स पता लग गया कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं उनके लिए आपने रिप्रेजेंटेशन भी डाल दिया होगा एक नवम्बर तक लास्ट डेट थी कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं जैसा की एग्जाम का लेवल क्या रहा इस एग्जाम का गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए तो आप अपने आपको सिक्योर सकते हो इसका कट ऑफ कितने जाने की एक्चुअल रैंक इस टाइम पर भी चेक कर सकते हो तो उन सब के बारे में देखते हुए क्या प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि कभी आपका लेवल बढ़ जाएगा कभी आपका घट जाएगा तो क्या आप पिछले साल के अकॉर्डिंग अपने आगे साल की तैयारी करोगे या फिर आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए कि हाँ इतनी तैयारी अगर मेरी होगी तो कैसा भी पेपर आएगा मैं अच्छा कर लूंगा तो इस बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आगे के लोगों को सही गाइडेंस मिल पाए सबसे पहले मैं एग्जाम के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं तो इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी आया है और आप लोगों को पता है कि कुछ सालों से इंग्लिश का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट भी आ रहा है मैं मॉडरेट भी नहीं करूंगी इजी टू मॉडरेट से भी कम आ रहा है तो अगर आप इंग्लिश में लैग कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे छूटने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का इंग्लिश अच्छा चल रहा है अगर हम बात करें रीजनिंग की तो इसका लेवल भी इजी टू मॉडरेट रहा है जैसा कि प्रीवियस ईयर इवेश्चन्स में आ, आता था रीजनिंग वैसे ही लेवल पर आया है वही सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट करके आए हैं तो इंग्लिश में कोई ऐसा चेंज सा कुछ देखने के लिए नहीं मिला जहां तक बात करें हम जीके की तो लोग ऐसा कहते थे कि जीके टफ आ रहा है कुछ हमसे नहीं बन रहा बट इस बार मैंने जितना ओपिनियन देखा है वीडियोस पे देखा है रिएक्शंस देखे हैं जीके का लेवल मॉडरेट ही रहा है मतलब जितना आप पढ़ के जा रहे हो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस एज यूजल जो नहीं बनते हैं छोड़ना ही पड़ता है जीके में आप हंड्रेड परसेंट नहीं कर पाते तो वैसा ही सा जीके आया है मॉडरेट लेवल का आया है आप जी के जो सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है इस बार वो रहा है मैथ्स मैथ्स में जो 20 क्वेश्चन थे 30 में से वो डुएबल थे और जो 10 क्वेश्चंस थे वो टाइम टेकिंग थे मैथ्स में जो क्वेश्चंस आए हैं दो स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे क्योंकि ये टाइम टेकिंग एंड लेंदी क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क में भी जो क्वेश्चन आया है वो काफी लेंदी आया है उसकी लैंग्वेज लंबी है पॉइंट्स में भी इफिशंसी दे रखी है मोड के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी काफी कैलकुलेटिव आए हैं कैलकुलेटिव इन द सेंस कि जो पहले लोग एक्सपेक्ट करके गए थे कि भाई मैथ्स ईजी आने वाला है उस हिसाब से वो कैलकुलेटिव थे और ना कोई डी आई आई है ना अलजेब्रा आया है ना तो ट्रिग्नोमेट्री आई है यानी कि एडवांस का लेवल थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया है सो so, अब इसके बाद क्या देखिए होता क्या है ना कि जब ऐसा कोई पेपर आ जाता है थोड़ा तो शॉकिंग सा जैसे 2017 के सीजीएल मेंस में आया था तो उसमें मार्केटिंग होने लग जाती है कि हाँ अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको भर भर के ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे बट पता है यहाँ पर था कुछ भी नहीं था वही जो हम आपको सिखाते रहते हैं बार बार वो है स्किपिंग अगर आपने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाया है और आपको मालूम है कि स्किप कैसे करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता क्योंकि जो लोग उस क्वेश्चन में जाके फंस गए होंगे उसको बनाने की कोशिश करने लग गए होंगे उनका इजी क्वेश्चन भी आगे छूट गया होगा जो लोग ये ट्वेंटी क्वेश्चन जो करने लायक थे सिर्फ वही कर लिया होगा तो उनका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा अगर उन्होंने दस क्वेश्चन

वो डिपेंड करता है कि आप टाइम मैनेज कर पाते हो कि नहीं एनालिसिस कर पाते हो कि नहीं आपको एग्जाम देना आता है कि नहीं तो अगर आपको पता नहीं है कि मॉक कैसे लगाते हैं और मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं तो इसके लिए आप ये दोनों मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ कि आपको रियल टाइम में किस तरह से मॉक टेस्ट देना है किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने प्रिपरेशन को एग्जाम के टाइम दिखा पाओ अगर पढ़ा लिखाओ और एग्जाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या फायदा होगा तो जाकर जरूर देखना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों वीडियो का अब हम बात कर लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या रहा होगा एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस में तो आज जितना मैंने देखा है बच्चों से बात करी है अगर आपका अटेम्प्ट 110 से 115 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो और अगर स्कोर की बात करें तो अगर आपके 290 प्लस स्कोर बन रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि हां आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी लेकिन अगर आप फोर्टी टू हंड्रेड ग्रेड पे या फोर्टी थ्री हंड्रेड ग्रेड पे का सोच रहे हो तो आई वुड से तीन सौ पांच तीन सौ दस से अगर आपके ऊपर मार्क्स है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो अब हम बात करते हैं कि हम अभी कैसे जाने कि हम कहां पर हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा हम किस रैंक पर हैं, तो इसके लिए रैंक आई एक वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अपनी सारी चीजों को फिल करोगे अपना आंसर की भरोगे अपना नाम जो भी चीजें हैं कैटेगरी एक्सेट्रा तो वो आपको बता देगी कि आपकी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है और ऑल ओवर इंडिया इस टाइम आपकी रैंक कितनी चल रही है तो इससे काफी अच्छा आइडिया लगता है मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी तो मैंने इसको यूज किया था तो जब मैंने इसमें फिल किया था तो लास्ट लास्ट तक मेरा अराउंड 1100 1150 की अराउंड मेरा रैंक शो कर रहा था जबकि मेरी फाइनल जो रैंक आई थी वो 696 आई थी तो ये लगभग लगभग आपको एक अंदाजा दे देगा कि आप किस रैंक पर चल रहे हो तो देखिए 8000 के करीब वैकेंसी तो आप जब अपनी रैंक देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है या नहीं ताकि आप आगे के एग्जाम्स के लिए और जमकर तैयारी कर सको फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी थोड़ा आइडिया लगाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है किस तरह की स्ट्रैटेजी आपको अब आगे रखनी है तो मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी तब तक के लिए जय हिंद